केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने यूक्रेन में फंसे लोगों को लाने के प्रयास की सराहना की। कहा, नहीं हुआ बाल बांका। आजमगढ़ शहर के हरबंशपुर में पहुंचे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए नाकाफी व्यवस्था के सवाल पर जवाब दिया कि यूक्रेन में भारत सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं हुई है। पहले लोगों को बाय रूट बगल के देश में लाया जा रहा है, फिर हवाई उड़ान से उन्हें लाया जा रहा है। किसी का भी बाल बांका न हो, इसकी चिंता पीएम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोविड काल में फंसे हुए लोगों को लाया गया था, वैसे यूक्रेन में भी फंसे लोगों को लाया जा रहा है। आज भी एयर इंडिया का विमान लोगों को लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अहिंसा और शांति का उपासक देश है, इसलिए रूस से भी शांति बनाए जाने को कहा जा रहा है। भारत के लिए पूरा विश्व एक परिवार है, जहां शांति से लोग रह सके। आइए सुनते हैं अश्विनी चौबे ने और क्या कुछ कहा। तो आप कहना चाहें बताइए इस पे कि जो यूक्रेन में हमारे जो 25,000 से ज्यादा भारतीय हैं उनको लाने के लिए और जिस तरह से केंद्र की व्यवस्था रही है वो नाकाफी साबित हो रही है, तो उस पे आपका क्या कहना? नाकाफी हो रहा जी, अभी 200 आदमी आ रहे हैं। आप सुनिए, 200 आदमी 300 आदमी 25,000 फंसे हैं यूक्रेन से लोगों को बगल के देश में उनको पहुंचाने का पहले बाय रोड शुरू किया और वहां से हवाई उड़ान भर रही है। कोई भी एक भी बाल बांका हमारे भारतीय मूल का किसी का ना हो, इसकी चिंता नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है और पूरी तरह से आपने देखा जैसे कोविड में हमने किस प्रकार से लोगों को लाने का काम किया, ये दुनिया में मिसाल है। उसी प्रकार से यूक्रेन में फंसे हुए हमारे जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं, मेरा स्वयं वहाँ एक हमारे मित्र का भतीजा, कल भी मैंने वो खुशी खुशी वहाँ से और हजारों लोग वहाँ से बगल के पड़ोस देश में पहले लाया जा रहा है और वहाँ से एयर इंडिया का आज भी बड़ा बड़ा उड़ान भर रहा है और कोई भी किसी को भी बाल बांका नहीं होगा, ये जान लीजिए। और हम, हमारी सरकार शांति और अहिंसा के उपासक है। हम चाहेंगे कि रूस शांति व्यवस्था को बनाने में सहयोग करें और हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, पूरा विश्व हमारा परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखान्तु, सभी का कल्याण हो और यूक्रेन के लोगों को शांति मिले, शांति व्यवस्था हो, इसकी हर संभव चिंता हमारी सरकार भी भारत कर रही है। बातचीत प्रधानमंत्री जी का जारी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को